अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट 02.0। दोस्तों फाइनली सारी कैटेगरीज जो है वो रिवील हो चुकी हैं। जैसे मैं रोजमर्रा की तरह आपको कैटेगरीज बता रहा हूं, अभी कुछ ही देर पहले मैंने डायमंड कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके बाद प्लैटिनियम कैटेगरी के प्लेयरों को भी रिवील कर दिया है। तकरीबन 44 प्लेयर जो है वो प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पूरी जो वो लिस्ट आपके साथ प्लैटिनियम कैटेगरी वाले प्लेयरों की जो वो शेयर करने लगा हूं वीडियो में। भाई साहब आगे बढ़ने से पहले आप सब जो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो वो आप सब ने ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली तमाम पीएसएल से रिलेटेड खबरें, न्यूज, फैक्ट और तमाम जो अपडेट आप तक जो वो बर वक्त पहुंचती रहे। बात करें प्लैटिनियम कैटेगरी, तो प्लैटिनियम कैटेगरी पीएसएल की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है और दुनिया के टॉप खिलाड़ी जो वो इसमें अपने आप को साइन अप कराते हैं। और इस बार भी जो वो टॉप 44 खिलाड़ियों ने अपने आप को प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर साइन अप करा दी है। लिस्ट आपके साथ जो है वो उन 45 की शेयर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास यहां पर मौजूद है नूर अहमद, इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। चाइना मैन अगर किसी टीम को जरूरत हो तो वो पिक कर सकती है। इसके अलावा ओबे मकॉय वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है, ये भी जो है वो एक तरीके से ऑलराउंडर ही हो गए। इसके अलावा भाई साहब टाइमल्स मिल्स, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज आपके रहने वाले, रसीव एंड डूसन वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, मिडिल ऑर्डर के अंदर किसी भी टीम के साथ जो वो चल सकते हैं। हर जितनी भी टीम है सब जो वो प्लैटिनियम में रसीव एंड डूसन के ऊपर नजरें जमाकर बैठी हैं। इसके अलावा रेसी टोपले हैं इंग्लैंड से, ये फास्ट बॉलर हैं, अगर कोई टीम चाहे जैसे पिशावर जलमी है तो इनकी तरफ नजरें रख सकती हैं। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ट है, ये भी जो है वो एक जिम्मेदारा जो है वो खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर प्लैटिनियम कैटेगरी में। वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा सैम बिलिंग, ये बैटिंग कर लेते हैं, अगर कोई टीम जाना चाहे तो इनकी तरफ भी जा सकती है। बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं प्लैटिनियम कैटेगरी में। इसके अलावा साकिब महमूद, शरफेन रदरफोर्ड, टॉम बेंटन, टॉम करन जो है वो इसमें शामिल हैं। ये कुछ जो है वो तकरीबन थोड़े से खिलाड़ी मैंने आपको शो करा। अगली जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो है वो कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। आगे भाई साहब इवन लिविस ओपनिंग बैट्समैन, कोई भी टीम इन्हें पिक कर सकती है और मैं समझता हूँ कि जो भी टीम जाएगी एक फ़ायदा ही जो वो यहाँ पर रहने वाला है। इवन लिविस के साथ कोई भी टीम जो है वो जा सकती है, जिसके पास ओपनिंग पेयर ना बन रहा हो और कमी हो ओपनिंग पेयर की, वो इवन लिविस को पिक कर सकती है। इसके अलावा भाई साहब फ़खर जमान मौजूद हैं, फजल अक फारूकी, हजरत उल्ला जजई भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी ओपनिंग कर सकते हैं। और आपको पता है कि फ़खर जमान वैसे ही लाहौर कलंदर से खेलेंगे, वो आरटीएम कार्ड यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा इमरान ताहिर भी यहाँ पर मौजूद हैं, पिछले साल कराची से खेले थे और इस साल भी आपको पीएसएल की ड्राफ्टिंग में नजर आएंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड से जेम निशम ऑलराउंडर, ये भी आपको ड्राफ्टिंग में नजर आएगा, इनके ऊपर भी सब टीमों की नजरें रहने वाली हैं। इसके अलावा जेम्स ओवरटोन यहाँ पर मौजूद हैं इंग्लैंड से। इसके अलावा जोस लिटिल मौजूद हैं भाई साहब आयरलैंड से, ये भी जो है वो आपको पीएसएल में एक्शन में दिखाई देने वाला है। जोस लिटिल के हवाले से पूछ रहे थे तो भाई यहाँ पर जो है वो ये आ चुका है। इसके अलावा किमो पाउल भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कैरन पोलार्ड ने प्लैटिनियम कैटेगरी में अपने आप को साइन अप कराया, ये भी ऑलराउंडर है, सब टीमों की जो है वो नजर रहने वाली है कैरन पोलार्ड पर। इसके अलावा कुशाल मेंडिस, जबरदस्त बैटिंग वर्ल्ड कप की, भले ही श्रीलंका की टीम ने परफॉर्म ना किया वैसा, लेकिन कुशाल मेंडिस ने भाई साहब जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है ये भी आपको ओपनिंग पेयर सेट बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा काइल मैट टेस्ट क्रिकेटर, इसके अलावा लूक वुड, महेश दीक्षाना, मुजीबुर रहमान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा नवीन उल हक का नाम यहाँ पर सरे फहरिस्त सामने आ रहा है। आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं वेस्ट इंडीज से अकील हुसैन, अल जरारी जोसेफ फास्ट बॉलर, इसके अलावा आंड्रे फर्डीचर, ये भी ओपनिंग बैट्समैन है, कोई भी टीम जो है वो इनके ऊपर जा सकती है। इसके अलावा एंजलो मैथ्यूज ऑलराउंडर, एस्टोन अगर ऑस्ट्रेलिया से वाइट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा भाई साहब बेन डोकेट, बनुका राजा पक्सा श्रीलंका से, ब्रेंडन किंग भाई साहब वेस्ट इंडीज से, कार्लोस ब्रैथवेट का नाम यहाँ पर शामिल है, T20 जो जितवाया था भाई साहब कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के लगा के बेन स्टोक को, वो भी जो पीएसएल में एक्शन दिखाई देंगे। मुल्तान सुल्तान से खेल चुके हैं, इस साल देखना होगा कौन टीम जो वो कार्लोस ब्रैथवेट के ऊपर नजरें रखती है। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन, इसके अलावा कोल्डी ग्रैंड होमे यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के, इसके अलावा भाई डैनियल सेम ऑस्ट्रेलिया के, इसके अलावा दसुन शनाका अपना जो श्रीलंका से, इसके अलावा डेविड विले यहाँ पर मौजूद हैं इंग्लैंड से, इसके अलावा जो वो डेविड मलान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ड्वेन पिटोरियस यहाँ पर, इनके नाम जो है वो सरे फहरिस्त हमें नजर आ रहे हैं। मतलब कि वैसे अगर मैं देखूँ तो इंग्लैंड और जो है वो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर वैसे भी लीग्स में जो है वो ज़्यादा खेलते हैं और इंग्लैंड के प्लेयर काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि उधर काउंटी चलती रहती है पूरा साल, तो इसलिए उनके प्लेयर थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। और वेस्ट इंडीज़ के तो वैसे ही लीग्स खेल के वो बेचारा पैसा कमाते हैं, इतना बोर्ड जो है वो सर्व नहीं कर सकता प्लेयरों को, तभी वो लीग्स खेल के तगड़ा जो है वो पैसा कमा सकते हैं।
ये प्लांटिनियम कैटेगरी की आखिरी जो है वो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। अगर आप किसी बंदे को मिस कर रहे हैं तो भाई समझ लें कि वो मिस ही रहेगा, वो समझ लो कि मिस है। प्लांटिनियम कैटेगरी भी रिवील हो गई, डायमंड, सिल्वर, प्लांटिनियम गोल्ड, सब प्लेयर जो है वो रिवील हो चुके हैं फाइनली। ये सारी अपडेटें मैंने आपको दी, उम्मीद है आपको पूरी जितनी मैंने तमाम PSL के रिलेटेड वीडियो बनाई आपको अच्छी लगी होगी। आप जो प्यार दे रहे हैं आप सबका जो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।